कोरोना महामारी में ट्रैवल्स एंड टूर्स व्यवसाय एक बार फिर ठप हो जाने के कारण ट्रैवल्स के संचालकों द्वारा विविध मांगों के साथ आज धरना पर बैठकर तंत्र के प्रति नाराजगी व्यक्त की थी। वडोदरा शहर के ट्रैवल्स के संचालकों द्वारा एक बार फिर अपनी विविध मांगों के साथ धरना पर बैठकर तंत्र के खिलाफ आंदोलन जारी किया है। कोरोना वायरस की महामारी अंतर्गत ट्रैवल्स के साथ जुड़े वैसे संचालकों की हालत काफी बिगड़ी है। कोरोना काल में विविध घूमने लायक वैसे स्थल पर प्रतिबंध लादने के कारण ट्रैवल्स के व्यवसाय में काफी मंदी का माहौल छाया है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा उनकी रजूआत नहीं सुनने के कारण अब वे लोगों ने गांधी राह पर चलकर आंदोलन का शस्त्र उठाया है, जहां आज समग्र राज्य भर में धरना आयोजित करने के साथ विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। वडोदरा शहर के राजमहल रोड पर स्थित ट्रैवल्स संचालकों द्वारा भी सरकार के खिलाफ धरना करते हुए विविध मांगों के साथ प्रदर्शन करने के साथ अपनी मांगों पर बैठे थे, जिसमें 6 महीने का आरटीओ टैक्स से मुक्ति तथा 6 महीने लोन के ब्याज से राहत देने की मांग सहित विविध कई मांगे रखी गई है और आने वाले 10 दिनों के दौरान अगर सरकार द्वारा उनकी मांगों के प्रति कोई भी निराकरण नहीं किया जाएगा तो वे आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे, वैसी भी चेतावनी दी गई थी। हमें टूर्स एंड ट्रावल एसोसिएशन अंदर कोरोना में 1-1.5 वर्ष थी बिल्कुल मंदी में चाली रहो छे, बिल्कुल तूटी भागेल छे, એટલે અમારી સરકારે પાસે માંગણી છે કે અમારે જે આરટીઓ નો ટેક્સ ભરવો પડે છે એમાં 6 મહિનાની સંપૂર્ણ રીતે રાહત આપે અને 6 મહિનામાં 50% રાહત આપે એવી અમારી માંગણી છે। સરકારને અમારી નમ્ર વિનંતી એ જ છે કે અમારી ઉપર જોવે ટ્રાવેલ એસોસિએશન ટ્રાવેલ એન્ડ ટૂર માટે, એ તો બહુ ધંધામાં તકલીફ પડેલ છે। સલીમ દિવાન, ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ એસોસિએશન સહમંત્રી।